उज्जैन के रेणुकेश्वर मंदिर पर चल रहे विवाद को लेकर स्वर्गीय गुलाबनाथ के परिजन शिप्रा नदी पर जल सत्याग्रह करने पहुंचे। पुलिस ने परिजन पर बच्चे की तबीयत खराब होने पर प्रकरण भी दर्ज किया। उज्जैन की शिप्रा नदी में रेणुमुक्तेश्वर के गादीपति के विवाद को लेकर पूर्व गादीपति स्वर्गीय गुलाबनाथ के परिजन शिप्रा नदी में जल सत्याग्रह के लिए उतर गए थे। करीब 4 से 5 घंटे बाद उज्जैन एसडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी, एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह और कोतवाली थाने का पुलिस बल शिप्रा नदी पर पहुंचा और सत्याग्रह कर रहे परिजनों को समझाइश दी। सत्याग्रह करने के दौरान परिवार के एक बच्चे की तबीयत भी खराब हो गई। काफी देर हंगामे के बाद परिजनों को बाहर निकाला गया। हम चल रहे हैं, अरे तो मर ही जाएंगे इसमें। उज्जैन एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह का कहना है कि रेणुमुक्तेश्वर गादीपति का विवाद कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट के निर्णय के बाद ही गादीपति का विवाद खत्म होने की संभावना है। वहीं पूरे मामले में परिवारजन, पुलिस प्रशासन और रामनाथ महाराज की मिलीभगत बता रहे हैं। सत्याग्रह करने वाले परिवार पर पानी से मासूम बच्चे की तबीयत खराब होने के चलते प्रकरण भी दर्ज किया गया है। भाई भाई बैठो, इसके खिलाफ चेयर तो है, चलो अरे बैठो, चेयर तो है ना। अरे थाना जिवाजीगंज के अंतर्गत एक रेणुमुक्तेश्वर धार्मिक स्थल है। ये पारंपरिक नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। उस संप्रदाय की परंपरा के अनुसार वहाँ गुरु शिष्य परंपरा है और उसी में कुछ विवाद अभी चल रहा है और ये पूरा जो मामला है वो बेसिकली अभी कोर्ट में चल रहा है। और उसमें एक पार्टी के द्वारा एक पानी जो छिपरा नदी है उसके किनारे अपने आप को एक मैं परिवार के छिपरा नदी में पहुँच गए थे, लेकिन ये जो पूरा मामला उस स्थान से जुड़ा हुआ है और कोर्ट में चल रहा है। इसमें 2 केस चल रहा है, एक तो जो हमारा एसडीएम कोर्ट है उसमें चल रहा है, दूसरा एक इसमें सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। तो जो निर्णय आएगा उसके अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। जो परिजन थे, परिजनों के द्वारा एक अबोध मतलब एक माइनर बच्चे को लेकर वो पानी में घुसे थे और वो एक संकट, जीवन संकट उत्पन्न वाली कार्रवाई थी या उसका बच्चे का जीवन भी मतलब खतरे में आ सकता था। इस आधार पर जो एक कानूनी कार्रवाई है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया थाना जिवाजीगंज अंतर्गत और इसमें कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।